नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, इस वीडियो पर हम आपको दिखा रहे हैं खारून नदी। आप देख रहे हैं खारून नदी है और लगातार छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 दिनों से बरसात हो रही है और उसके चलते छत्तीसगढ़ के नदी नाले उफान पर हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा है और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये जगह, ये दुर्ग जिला है और उस तरफ जाएंगे तो धमतरी जिला है। नदी के जस्ट उस पार धमतरी जिला है, इधर जाएंगे तो धमतरी जिला है। और ये जो पोस्टर लगा है भेलवाकुदा, उस तरफ का गांव भेलवाकुदा है और इस तरफ का गांव डेराभाटा है। और यूँ तो खारून नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के पेटेचुआ के पठार से होता है और ये दिखाई देने लगता है कंकालीन तालाब के पास है। कंकालीन करके गांव है और वहां माँ कंकालीन की मंदिर है और उसी के सामने से मतलब उसी के बाजू से खारून नदी दिखाई देने लगती है। और लेकिन खारून जो है मूलतः नदी के स्वरूप पे आपको दिखाई देगा दुर्ग जिले के किकिरमेटा से और ये पूरा धमतरी और दुर्ग जिले का बॉर्डर तय करती है ये और आगे चल के रायपुर जिले के साथ भी तय करेगी। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, इसी नदी के तट पर बना हुआ है। और जो सामने आपको जो उठाव दिख रहे हैं ना, यहाँ पे असल पे पुल है और पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है भेलवाकुदा घाट पे, जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम इधर आगे चल के भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे दिखता है। आज हरी जरा आगे चलते हैं और ये हमारे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इधर से नहीं दिखेगा क्या हरी? इधर से नहीं दिखेगा लग रहा है। ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है हमारे घर से और तो हम वो दिखाने आए हैं। अभी इधर से हो सकता है इधर से दिखे क्योंकि पेड़ वेड़ झाड़ झाड़ झड़ुका बहुत है। और इधर जो दुर्ग तरफ की जमीन है वो थोड़ी ऊंची है। देखिए, खेत वेत में पानी भर गया है, वहाँ तक देखेंगे दूर तक आपको खारून नदी दिखाई दे रही है। और इधर हो सकता है आगे दिखे, उम्मीद है दिखने का। तो आगे मैं चलता हूँ और आगे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हो सकता है आगे से आपको दिखाई देगा। और ये हम जा रहे हैं आगे की तरफ और इसके बाद हम कौही घाट भी जा के देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए कितना पानी है ना, इधर का नज़ारा और ज़बरदस्त है। हरीश, जरा थंबनेल ले लेना उसमें, है ना। ये देखिए, ये देखो, यहाँ से पूरा भेलवाकुदा के तरफ चढ़ गया है। ये देखिए, पूरा पानी ही पानी, पानी ही पानी दूर तक दिखाई दे रहा है। और बहुत तेज़ बारिश हुई है छत्तीसगढ़ में और लगातार हो रही है, अभी भी हो रही है बारिश। और ये देख रहे हैं, ये उधर पर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा उस तरफ ऐसा ही नज़ारा है कंटिन्यू, दूर तक पानी है। और भेलवाकुदा तरफ ज़्यादा चढ़ाव नहीं है, उधर डाउन है और इधर अप है, तो इधर ज़्यादा पानी नहीं चढ़ता है और ना ही बोर में इधर ज़्यादा पानी निकलता है। असल में धमतरी डिस्ट्रिक्ट की खासियत ये है कि धमतरी डिस्ट्रिक्ट महानदी और खारून नदी के बीच में बना है, मतलब है धमतरी डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन। और उसमें क्या होता है, ऊपर में गंगरेल डैम है तो उस तरफ बोर बहुत सक्सेस है, नलकूप बहुत सक्सेस है और वहाँ डबल फसल होता है। और ये देख रहे हैं इतना पानी गिरा है छत्तीसगढ़ में, है ना, बहुत ज़बरदस्त पानी गिरा है। और खारून नदी के किनारे किनारे हम घूम के आपको दिखा रहे हैं कि कितना तेज प्रवाह है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी इसी नदी के तट पर है। तो ये हम भेलवाकुदा घाट से दिखा रहे थे। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।